हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी ट्रीट विद वीना में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन मसाला सिवई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला सिवई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ये सिवई ले लिया है जो पहले से ही रोस्टेड है। और यहाँ पर हमने ले लिया है थोड़ा सा स्वीट कॉर्न है, थोड़ा सा मटर है छिली हुई, और मूंगफली का दाना है, और हरी धनिया है। और यहाँ पे हमने दो बड़ी प्याज ले लिया है कट करके, एक बड़ा सा आलू छोटे छोटे पीसेज में, थोड़ी गाजर, एक मिर्च, थोड़ी अदरक और दो से तीन कलियाँ लहसुन की, सब बारीक बारीक हमने चॉप करके रख लिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है और इसमें हमने दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिए हैं, और उसमें पहले ही हम ये मूँगफली भून लेंगे। मूँगफली हमें जब तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि मूँगफली चटकने ना लगे, और वो चटकने के बाद अलग अलग थोड़ा सा फटने लगती है। तो अब हमने निकाल लिया, ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, और ये दो से तीन कलियाँ लहसुन की हैं चॉप करके ले लिया है, और अदरक है, और एक छोटी हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और ये प्याज है दो मीडियम साइज़ की कटी हुई। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और गोल्डन होने तक भून लेंगे। मूंगफली के बाद तेल इसमें ऑलरेडी बहुत सारा बचा था तो मैंने निकाला नहीं है, और इसी में हम सब डाल देंगे। और प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और ये आलू डाल देना है और ये गाजर डाल देना है। तो प्याज के साथ साथ ये गाजर और आलू भी पक जाएगी, नहीं अगर हम प्याज पका लेंगे, गोल्डन कर देंगे, तो फिर आलू और गाजर डालने के बाद प्याज जल जाएगी इसको पकने तक। तो आलू को हमको पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि जब सिवई में हम पानी डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा पक जाएगी आलू, इसलिए हमें थोड़ा सा ही पकाना है। दो मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। तो ये आलू भी पक गई है, प्याज भी और गाजर भी अच्छे से पक गई है। अब मीडियम को हम लो फ्लेम हम लो कर देते हैं, और इसके बाद मटर डाल दिया, स्वीट कॉर्न डाल दिया है, इसको भी थोड़ा भून लेंगे, और उसी के साथ ये भी पक जाएगी दो मिनट के लिए। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, और आधी छोटी चम्मच से भी कम गरम मसाला, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर एक चौथाई चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। और ये सब धीमी आंच पर हम डालेंगे मसाला, जिससे कि जले नहीं, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद ये सिवई जो है, जो रोस्टेड है, उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे पूरी तरह से। मसाले में ये अच्छे से भून जाएगी, दो मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे अच्छे से। तो अगर आपके पास रोस्टेड सिवई ना हो तो पहले से आप उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें दो मिनट के लिए, जिससे कि वो आपस में चिपकती नहीं है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए, इस ग्लास से हमने 2.5 ग्लास पानी हमने डाला है, करीब 500 से 600 ग्राम पानी हमने इसमें डाला है। और गाइस, इसमें सिवई जो है, जो उपमा बनती है, उसको पहले से बॉयल करना पड़ता है, फिर उसको छानना पड़ता है, और ये बहुत ही इजी और सरल तरीका है सिवई बनाने का, मसाला सिवई, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, और देख रहे हैं आप, पानी इतना होना चाहिए। मैंने इस ग्लास से 2.5 ग्लास डाला है, करीब 600 से 700 ग्राम के करीब, और ये हाई फ्लेम पे हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे, 3 से 4 मिनट तक। जब ये अच्छे से उबलने लगे तब तक के लिए इसको ढक देते। अब ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देखिए इसमें पानी थोड़ा कम बचा है, और मैंने हाई फ्लेम पे उबाला है, जिससे कि सिवैयाँ चिपके नहीं और गले नहीं। तो इसमें बस थोड़ा पानी बचा है, तो अब हम इसको धीमा करके और 3 से 4 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे। तो अब देखिए, ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, ये देखिए। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, और अब हमें इसे पकाना नहीं है, पूरी तरह से पक चुकी है, और देखिए बिल्कुल अलग अलग बनी है, एकदम चिपकी नहीं है। और टेस्टी तो इतना ज़्यादा होती है कि मैगी और चाउमीन, इन सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत ही जल्दी बन भी जाती है, ना उबालने का झंझट, ना तो सूखने का झंझट।
फटाफट एक ही बार में बन जाती है। अब मूंगफली हम इसमें लास्ट में डालेंगे जिससे कि ये जो इसका क्रंचीनेस है ये जाए नहीं। और इसके बाद इसमें धनिया हरी डाल देंगे, हरी धनिया पत्ता 2 से 3 चम्मच, और सबको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए ये कितनी टेस्टी कितनी यम्मी सेवई बनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।